Hello everyone, good morning dear students of class 8. So this is your supplementary reader and this is the first lesson of your supplementary reader book, जिसका first lesson आज हम समझ रहे हैं how the camel got his hump. Okay, camel का जो hump होता है वो क्यों उसको मिला, उसे कैसे मिला, ये आज हम समझने वाले हैं. इस lesson में हमें ये बताया गया है कि इन अर्ली बिगनिंग स्टार्टिंग में जब सारे जो एनिमल्स थे वो इंसानों के लिए काम किया करते थे. ठीक है, सारे एनिमल्स जो है इंसानों के लिए काम किया करते थे. आदमी सारे एनिमल से काम करवाया करता था और उसी में जो कैमल था वो बड़ा ही लेज़ी बताया गया है स्टार्टिंग से ही, कि वो काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था. वो हमेशा हर काम के लिए मना कर दिया करता था. तो होता क्या था कि एक्चुअली जो जो जानवर थे, जैसे कि डॉग जो है वो पता है कि उससे हमेशा वो एक लॉयल होता है, काफ़ी ईमानदार ऑनेस्ट एनिमल है वो, उससे पूरा मतलब ईमानदारी से अपना पूरा काम करता है डॉग. और फिर जो काउ होती है वो भी बड़ी ईमानदारी से अपना पूरा काम करती है. हॉर्स होता है वो भी बड़ी ईमानदारी से अपना काम करता है. लेकिन ये ऊँट जो था, ये कैमल जो था, ये जंगल में काफ़ी अंदर की तरफ रहा करता था. काफ़ी अंदर घने जंगल में ये रहता था और अकेला रहता था. इसे क्योंकि इसे काम करना पसंद नहीं था इसलिए ये अकेला ही रहता था और ना किसी की मदद करता था ना किसी की कुछ बात सुनता था. अब ये तीनों बेचारे जो है वो वन बाय वन वहाँ जाते हैं. पहले डॉग जा कर के जैसे उससे बोलता है कि हमारी कुछ काम में मदद करो, तो कैमल मना कर देता था. कैमल सिर्फ बोलता था हम, इस टाइप से वो आवाज़ निकाला करता था. फिर काऊ भी गई उसके पास, ऑक्स गया उसके पास में मदद मांगने के लिए, तो उसने फिर से हम कर दिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी. फिर हॉर्स भी गया उसके पास कि तुम कुछ तो काम करो, कुछ तो मदद करो हमारी, तो वो उसने मना कर दिया. वो सिर्फ हम करता था और बस तीनों की हंसी उड़ाता रहता था. फिर तीनों ने जा कर के ह्यूमन बींग से मतलब मैन से कंप्लेन करी कि जो कैमल है वो तो कुछ भी नहीं सुनता है, कुछ भी काम नहीं करता है. तो मैन ने भी क्या किया कि मैन ने कैमल को कुछ बोलने के बजाय उसका जो काम था वो इन तीनों में बांट दिया. इस चैप्टर में काऊ नहीं बेटा, ये ऑक्स है. तो ऑक्स, हॉर्स और डॉग, इन तीनों के बीच में कैमल का काम जो था वो बांट दिया गया. तो इन उस वजह से इन तीनों का जो बर्डन था काम का वो ज़्यादा बढ़ गया. फिर ये तीनों जो है बहुत नाराज़ हुए. फिर इन्होंने एक मीटिंग बिठाई और फिर उसमें ये डिस्कस कर ही रहे थे कि क्या किया जाए, ऐसा हम क्या करें कि जो कैमल है वो हमारी बात सुने या फिर ऐसा कुछ हमारा काम कम हो जाए. तो फिर जब मेन ने बात नहीं सुनी तो फिर क्या होता है कि उस जंगल में जिन रहा करता था. ठीक है, फिर वो जिन जो है वो इनकी परेशानी देखता है और फिर वो जिन आकर के इनसे पूछता है कि तुम्हारी परेशानी का मतलब क्या कारण है. फिर तीनों अपनी बात जो है वो जिन के सामने रखते हैं कि जो कैमल है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनता है और कुछ भी हमारे कामों में हेल्प नहीं करता है. फिर जिन ने जा कर के जब कैमल से बात करी तो कैमल ने जिन को भी वही आंसर दिया कि हम करके उसने आंसर दे दिया और अपने जो उसका जो हम था उसकी तरफ इशारा करके बताता है कि देखो मैं इसकी वजह से कुछ काम नहीं कर पाता हूँ. तो फिर जिन ने जो है वो उसे एक जिन तो हम जानते हैं कि जिन जादू ही होता है तो वो तो जो चाहे वो कर सकता है. फिर जिन ने जो है वो कैमल को बुला के ठीक है तुम बार बार जो हम करते हो ना तो इसी हम के कारण तुम्हें आगे परेशानी होगी, तो फिर तुम कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पाओगे, ऐसा उसने कैमल को जो है बोल दिया. और फिर तब से अभी तक जो कैमल है वो अपने जिम अपने जो हम के कारण काफ़ी परेशान रहता है. तो उसका हम जो होता है वो कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बैठ जाता है नीचे, फिर वो कड़ी मेहनत करता वो काम कर पाता है. और फिर जब वो फिर से जब आलसी हो जाता है, जब वो बैठ जाता है, जब वो काम करना बंद कर देता है, तो उसका जो हम होता है वो फिर से खड़ा हो जाता है. तो इस टाइप से ये स्टोरी जो है वो कैमल को एक उसका जो हम पे उसके बारे में स्टोरी है कि उसको ये हम कैसे मिला और क्या क्या मतलब इसमें इसके पीछे का रीज़न क्या था, ये हमें शॉर्टली एज अ फनी इसमें बताया गया है. ठीक है, तो आपके इस लेसन में इतना ही है और ओनली 3-4 क्वेश्चन आंसर्स आर देयर जो काफ़ी सिंपल है. आप चैप्टर ध्यान से रीड करेंगे आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच.